गई। और ये जो 1986 वाली शिक्षा नीति आई थी उसने भी भाषा के बारे में बहुत सारी बातें कही, और उसी शिक्षा नीति के बाद यह महसूस किया गया कि जो परीक्षाएं होती हैं देश में वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ करे, ट्रिपल आईटी और AIIT, ये सब जो परीक्षाएं होती है उसी दरमियान 1986 की शिक्षा नीति के बाद में 2020 की जो शिक्षा नीति आई उसने कुछ बुनियादी बदलाव किए, क्योंकि 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसमें संशोधन हुआ 2005 में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा जिस दस्तावेज का भारत सरकार ने प्रकाशन किया उसने खुलकर बात की कि बहुभाषिकता हमारी ताकत है और इस शक्ति को पहचानना होगा और इसको रूपांतरित करना होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके सब बहुभाषिक हैं, आपको पता है, आपको मालूम नहीं है कि आप घर में भोजपुरी बोल के आए हैं या आई हैं, बाहर निकलते ही आपने हिंदी बरता है और अभी फॉर्म भरेंगे अंग्रेजी में, जरूरत पड़ेगी तो गुनगुनाएगी कोई बंगला गाना या कोई पंजाबी गाना, पंजाबी में कहते हैं तो पुराने दौर के गाने मुझे याद है, पर मुझे पता है कि आज के दौर में भी जो सबसे ऊपर चल रहा है वो पंजाबी गाना चल रहा है, हनी सिंह और तमाम लोग। आपको मालूम नहीं, आप स्वयं बहुभाषी हैं, तो 4 से 5 भाषाओं की ताकत आपके पास है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि बहुभाषिकता की इस ताकत को पहचानिए, और जब कक्षाओं में आप जाते हैं या जाती हैं तो उस भाषा को पुल बनाइए, जो भाषा लेकर कोई बच्चा या बच्ची कक्षाओं में आया है या आई है उसको बाधा मत बनाइए और उसको रूपांतरित करिए वो नई दुनिया जिस नई दुनिया में आपको साथ साथ जाना है। हमारी जो शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि आप उपदेशक की तरह मत जाइए, कक्षा में कोई अध्यापक अध्यापिका उपदेशक की तरह न जाए, ज्ञान तो एक साझी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी अध्यापक सभी मिलकर साथ चलते हैं और बिजली की कौन की तरह एक रोशनी चमकती है और फिर चीजों को ठीक ढंग से समझने की कोशिश होती है। उपाय की बहुभाषिकता की इस ताकत को समझिए। सर अभी कह रहे साही सर, अब आप देखिए भक्ति आंदोलन में सारे के सारे लोग अपनी अपनी भाषाओं के महाकवि हैं, विद्यापति मैथिली भाषा के महाकवि हैं, कबीर भोजपुरी भाषा के महाकवि हैं, नानक पंजाबी भाषा के महाकवि हैं, महाराज चले जाइए तो वहां नामदेव हैं, अपनी भाषा के महाकवि हैं, वे दूसरी भाषाओं में लिख रहे थे लेकिन महाकवि अपनी भाषाओं के थे। आप भक्ति काव्य की शुरुआत जिस महिला से होती है अंडाल अपनी भाषा की कवियत्री है, उसके बाद आप देखिए मुक्ता बाई, जना बाई, बहिना बाई, ये महाराष्ट्र की रचनाकार हैं, वो मराठी भाषा की महाकवि के रूप में उनका नाम लिया जाता है। भारत की कई भाषाएं ऐसी हैं जिसकी शुरुआत ही अपनी भाषा की शुरुआत ही किसी महिला से होती है, जैसे कश्मीर में ललित वो पहली कवि है, कवियत्री है उस भाषा की, तो अपनी भाषा की इतनी ताकत होती है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा जो भारत की विरासत में मौजूद है, इसलिए हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी आई है वो कहती है भारतीय मूल्य की बात करती है, पर भारतीय मूल्य क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। बहुत मुझे वक्त चाहिए एक एक करके बताने के लिए लेकिन वक्त नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आप न्याय दर्शन पढ़ते हैं तो उसके साथ अनेकांतवाद भी है, हमारे पास भौतिकवाद का भी एक दर्शन है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। आप याद करिए कि न्याय अंधे, 5 अंधे थे आपको पता है ये मशहूर कहानी की, उनके सामने हाथी और कहा गया बताओ हाथी कैसा होता है, किसी ने सूर को पकड़ा और कहा कि सांप की तरह, दूसरे ने कहा कि मूर्ख हो तुम जिसने पैर पकड़ रखा था, और कहा कि वो तो खंभे की तरह होता है हाथी, और तीसरा जो कान के पास छू रहा था कहा कि नहीं नहीं तुम दोनों मूर्ख हो, तो पंखे की तरह होता है हाथी, जिसने पूछ पकड़ी उसने कहा वो तो झाड़ू की तरह होता है, तुम सबके सब मूर्ख। इसलिए न्याय की अवधारणा क्या होगी, या विभिन्न समाजों के द्वारा, विभिन्न संस्कृतियों के द्वारा, विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा अलग अलग तरीके से व्याख्यायित होने के बाद यह निर्णय होगा, यह भी हमारी संस्कृति रहेगी। अनेकांतवाद इसी देश की संस्कृति रही है। भौतिकवाद की हम आलोचना करते हैं और कहते हैं बहुत खराब है, वह तो केवल भौतिकता की बात करता है, उसने केवल इतनी बात करी थी कि अनुष्ठान के नाम पर श्रम की जो आप अवहेलना कर रहे हैं वह ठीक बात नहीं है, और इस लोक के अलावा कोई और लोक नहीं होता,
यह बात कही गई, इस पर मेरा लेख भी है, अभी इतना वक्त नहीं है बात करने का। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि यह जो शिक्षा नीति आई है भारतीय मूल्य की बात करती है, लेकिन भारतीय मूल्य कोई खंडित अवधारणा नहीं है, उसको समग्रता में समझने की जरूरत है। अपनी भाषा मातृभाषा की बात करती है, लेकिन मातृभाषा को बिना बहुभाषिकता को समझे हुए आप नहीं समझ सकते। एक और बात कहती है कि जो इतनी किताबें और शब्दकोश ये सब हैं, इनमें संस्कृत को आधार बनाया गया। आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वेबसाइट पर जाइए और आप देखेंगे कि जो भारत की भाषाएं हैं उन भाषाओं में किसी में 90%, किसी में 45%, किसी में 70%, ये सारे इतने प्रतिशत शब्द संस्कृत से आए हैं। तो संस्कृत मूल है। तो दो भाषाएं भारत की ऐसी शास्त्रीय भाषाएं हैं, संस्कृत और तमिल, जिनकी विरासत को हमें समझना पड़ेगा। और फिर जब हम पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करेंगे तो उस विरासत को समझेंगे जो हमारी ज्ञान की परंपरा की विरासत रही है। इन सभी मुद्दों पर हमारी शिक्षा नीति बात करती है। फिर कभी इत्मीनान से बात होगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इस विद्यापीठ में जी,
और इस डेवलपमेंट में जब एनर्जी की बात आती है, युवाओं की बात आती है, कुछ करने की बात आती है, तो उसमें से कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिसमें सबसे पहला नाम अगर मेरे नजर में आता है इस विद्यापीठ में तो प्रोफेसर सुशील सर। ऊर्जा से अत्यंत लबरेज जब इनसे मैं मिला, बड़े फ्रेंडली ढंग से इन्होंने मिलते ही कहा कि विजय जी आप क्या करते हैं। मैंने कहा सर बस कुछ कर लेता हूँ। तो नहीं आप बताएं क्या करते हैं। तो मैंने कहा सर एक दिन इतिबनाम से आएंगे और मैं बताऊंगा। मैंने बताया, सुनते रहे, बोले ऐसा है कि विजय जी आप जो करना चाहते हैं करिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। तो सर आप जैसे अगर देश में विश्वविद्यालय में अगर प्रोफेसर रहेंगे तो हम सब युवा चाहे विश्वविद्यालय से बाहर रहें चाहे अंदर रहें, क्रिएटिविटी की तो भरमार लगेगी ही लगेगी। धन्यवाद उन सभी विश्वविद्यालय के लोग जो आए हुए हैं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा भी और काशी विद्यापीठ से पढ़ा और पटना विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मधेपुरा विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, हमारे तमाम गुरुजनों का बड़ा भरपूर आशीर्वाद मिला। चूंकि आप लोग के आशीर्वाद से केतु प्रकाशन मैं संचालित कर रहा हूँ और लगातार 2-3 जनरल से प्रकाशित होती है, तो जिनका आलेख हमने लगातार मैं प्रकाशित करता रहा तो उनका भरपूर आयोजन मिला। तो थोड़ी सी बड़े आयोजन के लिए थोड़ा डर रहता है कि लोग आएंगे कैसे, जाड़ा है, तमाम चीजें हैं, लोग कैसे आएंगे। तो सुशील सर को मैंने आश्वस्त किया था, सर आप चिंता ना करें, ये जरूर बेहतरीन ढंग से होगा। और आप लोग के बीच में वरिष्ठ कथाकार लेखक मणिभूषण वर्मा सर भी बैठे हुए हैं जो इसके बाद वाले सत्र में हम सर का सुनेंगे। सिद्धेश्वर सर बैठे हुए हैं, आप भी अच्छे साहित्यकार हैं, संयोग से उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, एक किताब मैं पब्लिश कर रहा हूं और मणिभूषण सर का जो है कई किताबें हमारे हैं। चूंकि समय कम है और रही बात आप लोग इतने दूर से आए, ठंड में कुहासे में चल करके आए, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एनर्जी का काम किया। समय समय जी मेरे लिए है, जो आ रहे हैं वो आ रहा है, जो चल चुके हैं कुछ रास्ते में है। सर जो है, चूंकि मैंने कहा था कि सर से कुलपति बनने से पहले मैं सर से मिला था, आज सर आए हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ कि सर आपका आशीर्वाद मिला। और तमाम जितने आचार्य बिहार के तमाम विश्वविद्यालय से जितने पधारे हैं, केंद्रीय विद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय से स्कॉलर्स, शिक्षाविद, लेखक और कलाकार, चूंकि कहीं ना कहीं मैं फिल्मों और ड्रामा का छात्र रहा हूँ, तो जो आप आगे सत्र देखेंगे तो उसमें फिल्मों का आपको तड़का मिलेगा, कई किताबों का विमोचन मिलेगा, जो कथाकार या लिखे हैं उनका मंचन भी आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये बहुत सारी चीज है, फिलहाल समय कम है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अल्पाहार की व्यवस्था है, तमाम जितने लोग हैं आप लोग अल्पाहार करें और आप आए समझे कि मेरा जो उत्साह है 4 गुना बढ़ गया है, अगले सत्र में हम भरपूर इसका उपयोग करेंगे। बहुत बहुत आभार।